अब देखो बे, इस वीडियो के अंदर हम तुम्हें बताएंगे कि कैसे तुम अपने डिवाइस को रूट करोगे एंड तुम्हारे पास कोई सा भी डिवाइस हो, इस वाले मेथड को अप्लाई करने के बाद तुम अपने डिवाइस को बिंदास रूट कर सकोगे यार। बस तुम्हारे डिवाइस के अंदर TWRP रिकवरी या कोई सी भी रिकवरी इंस्टॉल होनी चाहिए। तो चलो फिर बिना किसी बकवास के इस वीडियो को तुम्हारे दिमाग के अंदर इंस्टॉल करते हैं। एंड उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर दो। सो लेट्स बिगेन। अब देखो, सबसे पहले हम तुम्हें ये दिखा देते हैं कि अभी हमारा जो डिवाइस है वो रूट नहीं है। तो उसके लिए हम रूट चेकर एप्लीकेशन को ओपन करेंगे एंड वेरीफाई रूट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखो लिख करके आ गया है, सॉरी रूट एक्सेस इज नॉट प्रॉपरली इंस्टॉल्ड इन दिस डिवाइस। तो इसका मतलब यह है कि अभी हमारा जो डिवाइस है वो रूट नहीं है। तो इसको रूट करने के लिए हम तुम्हें एक फाइल को प्रोवाइड कर देंगे जिसका नाम रहेगा magixdelta.zip। एंड देखो, ये वाली जो फाइल है ये हर एक डिवाइस के लिए वर्किंग है। तुम्हारा मतलब कोई सभी डिवाइस हो उसके अंदर तुम इस फाइल को अप्लाई करके एंड अपने डिवाइस को रूट कर सकते हो। देखो, इस वाली फाइल को अप्लाई करने के लिए तुम्हें अपने डिवाइस को TWRP रिकवरी या तो किसी और रिकवरी में बूट कर लेना है। एंड अगर देखो तुम्हारे डिवाइस में कोई से भी रिकवरी इंस्टॉल नहीं है तो तुम उसके लिए हमारी पिछली वीडियो को जाकर के देख लेना। उसके अंदर हमने तुम्हें बताया है कि कैसे तुम अपने किसी भी डिवाइस में TWRP रिकवरी को इंस्टॉल करोगे। एंड अगर देखो तुम्हारे डिवाइस में TWRP या तो कोई और रिकवरी है तो तुम उस वाली रिकवरी के अंदर बूट कर लेना। तो बूट करने के लिए सिंपल से देखो, हमारे डिवाइस में एक ऐसा ऑप्शन है कि मतलब पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखो, उसके बाद यहाँ पर रीस्टार्ट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा रिकवरी का। एंड अभी हम जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा जो डिवाइस है वो रिकवरी मोड में बूट हो जाएगा। लेकिन किसी किसी डिवाइस में ये वाला ऑप्शन नहीं होता है। तो इसके लिए तुम्हें सबसे पहले ये पता करना है कि तुम्हारे डिवाइस को रिकवरी मोड में कैसे ले जाया जाता है, क्योंकि देखो हर एक डिवाइस का मेथड अलग अलग होता है। तो ये तुम जाकर के गूगल पे सर्च कर लेना। अभी देखो, अगर तुम्हारा डिवाइस Realme 5i या तो Realme का है तो सिंपल से तुम्हें सबसे पहले अपने डिवाइस को पावर ऑफ कर देना है। यहाँ पे पावर ऑफ कर देने के बाद थोड़ा सा वेट करना है, तुम्हारा जो है डिवाइस जो है वो स्विच ऑफ हो जाएगा। अभी देखो, इसको स्विच ऑफ कर देने के बाद तुम्हें सिंपल से जो है पावर बटन प्लस वॉल्यूम डाउन ये दोनों एक साथ प्रेस करके रखना है, अगर तुम्हारा रियलमी का डिवाइस है तो। ठीक है, बाकी तुम गूगल पे सर्च कर लेना कैसे आ जाता है रिकवरी मोड के अंदर। अभी देखो यहाँ पे, अगर तुम्हारा रियलमी का डिवाइस है तो इस तरीके से फास्ट बूट मोड आ जाएगा तुम्हारे सामने। देन तुम्हें यहाँ पे वॉल्यूम डाउन बटन एक बार प्रेस करके रखना है। प्रेस करके रखोगे देन यहाँ पे स्टार्ट बूट लोडर आ जाएगा। देन एक बार प्रेस और मतलब एक बार और प्रेस करोगे देन पावर ऑफ आएगा। देन एक बार और प्रेस करो यहाँ पे तुम्हारे सामने यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ जाएगा बोले तो रिकवरी मोड का। अभी तुम्हें सिंपल से यहाँ पे रिकवरी मोड आ जाने के बाद पावर बटन को ऐसा प्रेस कर देना है। देन इसके बाद तुम्हारा जो डिवाइस है वो TWRP रिकवरी या तो किसी और रिकवरी के अंदर बूट होने लगेगा। तो हमारा जो डिवाइस है वो TWRP रिकवरी के अंदर आ चुका है। अभी हमें थोड़ा सा वेट करना है, उसके बाद यहाँ पे आना है बैकअप के ऊपर। बैकअप पे आ जाने के बाद तुम्हें यहाँ पे बूट उसके बाद DTBO ये जो दो ऑप्शन है इन दोनों को ऐसा टिक करके रखना है। टिक कर देने के बाद बाकी किसी और ऑप्शन को टिक नहीं करना है, सिर्फ इन दोनों को टिक करना है। उसके बाद यहाँ पे स्वाइप टू बैकअप इस वाले ऑप्शन को ऐसा स्वाइप कर देना है तो तुम्हारे जो डिवाइस का जो मतलब बूट है उसका जो है बैकअप बन जाएगा। तो इससे होगा क्या, अगर मान लो तुम अपने डिवाइस को अभी रूट करोगे तो रूट कर देने के बाद अगर तुम्हारे डिवाइस में मतलब बूट लूप आ जाता है बोले तो तुम्हारा जो है डिवाइस मतलब रीस्टार्ट नहीं होता है, तो उसके लिए तुम मतलब इन ये जो बैकअप तुमने अभी अभी बनाया है इसको तुम रीस्टोर में जा करके अपने डिवाइस को मतलब रीस्टोर कर सकते हो। इससे मतलब तुम्हारा कुछ डिलीट नहीं होगा, तुम्हारा मतलब जो पुरानी वाली बूट फाइल रहेगी वो वापस से रीस्टोर हो जाएगी। और इसके बाद तुम्हें आना है सबसे पहले इंस्टॉल के ऊपर, अपने डिवाइस को रूट करने के लिए इंस्टॉल पे आना है। इंस्टॉल पे आ जाने के बाद तुम्हें सबसे नीचे आना है एंड उस वाले फोल्डर के अंदर आ जाना है जहां पे तुमने अपने मैजिक्स डेल्टा वाली फाइल को रखा होगा। तो हम आ जाते हैं मैजिक्स वाले फोल्डर के अंदर। इसके अंदर आ जाने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है magixdelta.zip, तो इस वाली फाइल को ऐसा सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट कर देने के बाद यहाँ पे देखो लिखा है स्वाइप टू कंफर्म फ्लैश, तो इस वाले मतलब ऑप्शन को ऐसा स्वाइप कर देना है। इसके बाद तुम्हारा जो डिवाइस है वो रूट होने लगेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रोसेसिंग चल रही है तो हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो फाइल है वो सक्सेसफुली अप्लाई हो चुकी है। इसके बाद तुम्हें यहाँ पे सिंपल से ये देखो यहाँ पे लिखा रहेगा ना वाइप कैच उसके बाद डेल्विक, तो इस वाले ऑप्शन पे टिक करके एंड इसको स्वाइप कर देना है। देन यहाँ पे देखो एक रिबूट सिस्टम का ऑप्शन मिलेगा तो इसके ऊपर ऐसा क्लिक कर देना है एंड वेट करना है अपने डिवाइस को रीस्टार्ट होने के लिए। तो हमारा जो डिवाइस है वो सक्सेसफुली रीस्टार्ट हो चुका है। इसके बाद तुम्हारे डिवाइस के अंदर एक मैजिक्स का एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा। देन अगर देखो बाई चांस ये एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं होता है अपने आप तो तुम्हें आना है फाइल्स के अंदर। फाइल्स के अंदर आ जाने के बाद ये जो जिप फाइल है, जिप फाइल को ऐसा 3 डॉट के ऊपर क्लिक कर देना है। पहले इसको यहाँ पे हम कैंसिल करेंगे। देन 3 डॉट के ऊपर यहाँ पे देखो ऐसा क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद रीनेम पे आना है। रीनेम पे आ जाने के बाद ये जो लास्ट में जिप रहेगा ना, देखो यहाँ पे रीनेम पे आना है तुम्हें। रीनेम पे आ जाने के बाद ये जो लास्ट में जिप है, जिप को हटा करके यहाँ पे लिख देना है APK, तो APK ये लिख करके तुम्हें यहाँ पे सिंपल से ओके कर देना है। देन फिर से रीनेम के ऊपर क्लिक कर देना है तो यहाँ पे ये जो जिप फाइल है ये APK के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। देन तुम्हें इसके ऊपर ऐसा क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर देना है तो तुम्हारे मतलब जो डिवाइस है उसके अंदर मैजिक्स का एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा। देन तुम्हें इसे ओपन करना है। ओपन कर देने के बाद यहाँ पे देखो इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा एंड यहाँ पे देखो इंस्टॉल के अंदर लिखा हुआ है इंस्टॉल्ड। देन यहाँ पे देखो ये जो एप्लीकेशन है मतलब इसका जो वर्जन है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी देखो हम रूट चेकर के अंदर चले जाएंगे। रूट चेकर के अंदर
अंदर आ जाने के बाद तुम्हें हम चेक करवा देते हैं कि हमारा जो डिवाइस है वो रूट हुआ है कि नहीं। तो वेरीफाई रूट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे देखो मैजिक्स का एक एप्लीकेशन का मतलब पॉपअप विंडो आएगा। ग्रांट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो लिख करके आ चुका है कंग्रेचुलेशन, रूट एक्सेस इज प्रॉपरली इंस्टॉल्ड इन दिस डिवाइस। तो इसका मतलब ये हो गया है कि हमारा जो डिवाइस है वो प्रॉपरली बोले तो रूट हो चुका है। देन इस मेथड के साथ तुम अपने डिवाइस को मतलब रूट कर सकते हो, तुम्हारा कोई सा भी डिवाइस हो। सिंपल से यही मेथड अप्लाई करो TWRP के द्वारा एंड अपने डिवाइस को रूट कर लो, ठीक है, यही मेथड था। एंड अगर देखो मान लो तुम्हें अपने डिवाइस को अनरूट करना हो तो सिंपल से तुम्हें मैजिक्स को ओपन करना है, अनइंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद कंप्लीट अनइंस्टॉल यहां पे क्लिक करके अपने डिवाइस को कंप्लीट अनइंस्टॉल कर सकते हो, मतलब अपने डिवाइस के अंदर से मैजिक्स को कंप्लीट अनइंस्टॉल कर सकते हो। एंड अगर देखो तुम्हें कोई सा भी मॉड्यूल इंस्टॉल करना है तो मॉड्यूल के ऊपर आओ एंड फाइल मैनेजर के ऊपर यहाँ पे ऐसा क्लिक करके किसी भी मॉड्यूल को इंस्टॉल कर सकते हो। एंड बाकी इसमें काफ़ी सारे जितने भी फीचर्स हैं वो तुम यहाँ पे लाभ उठा सकते हो हर एक फीचर का। बाकी तुम्हें मतलब अगर नेक्स्ट वीडियो चाहिए कि इस वाले मैजिक्स के अंदर क्या क्या फीचर्स है, क्योंकि अगर तुम सेटिंग के अंदर आओगे यहाँ पे देखो हम सेटिंग के अंदर आएंगे, सेटिंग के अंदर आने के अंदर तुम्हें मतलब काफ़ी सारे बोले तो फीचर्स मिल जाएंगे, जैसा कि जायजिक्स, बूट लूप प्रोटेक्शन, कोर ओनली मोड एंड मैजिक्स हाइड, पता नहीं क्या क्या इसके अंदर तुम्हें देखने को मिलेगा। अगर तुम्हें इन सब के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो हमें बता देना, हम उसके ऊपर भी एक न्यू वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक। बाकी तुम्हें ये वाली जो फाइल है इसका लिंक तुम्हें मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके डाउनलोड कर लेना। एंड अगर वहाँ पे नहीं है तो तुम जाकर के कमेंट बॉक्स में चेक करो, वहाँ पे इसकी लिंक जो है वो पिन हमने कर दिया है, तो वहाँ से डाउनलोड कर लो। एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। एंड देखो अगर हाँ तुम्हारा कोई सा भी अखंड प्राणी दोस्त है ना तो उसको भी ये वीडियो जरूर शेयर कर दो, ताकि वो भी अपने डिवाइस के अंदर ये सब जुगाड़ कर सके, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर, एंड बाय।